नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर कई सारे कंटेंट ला रहे हैं, जैसे कि कलाकारों द्वारा गीत गाए हुए, लोकगीत, भजन, अनेक प्रकार के कंटेंट आएंगे। तो आप उन्हें भी अपना स्नेह और प्यार हमारे इस वीडियो की तरह ही दीजिएगा। हम उन कलाकारों को आप तक इस वजह से पहुँचाना चाहते हैं ताकि वो कलाकार जो आज तक एक क्षेत्रीय दायरे में ही रह चुके हैं, अब उनको इस मंच के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से और भी लोगों तक पहुंचाया जाए। और मैं चाहता हूं कि उनकी वो मेहनत पूरे देश में फैले और हर जगह उनके ये गीत गाए हुए, जो भी भजन होंगे, लोकगीत होंगे, जिस प्रकार भी उनकी मेहनत है, लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों, उनको भी भरपूर प्यार और स्नेह दीजिएगा। आइए इस वीडियो में सुनते हैं एक बहुत ही छोटी सी कहानी, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। और आप कौन से शहर से रहने वाले हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था, जो कि मंदिर से पूजा करके, भक्ति करके अपने घर की ओर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में ही एक नास्तिक व्यक्ति की दुकान पड़ती थी, जो कि ईश्वर और भक्ति भावना पे ज्यादा विश्वास नहीं करता था। और तभी वह जो भक्त था, उसे प्यास लगी, और प्यास लगी तो वह गया जैसे ही उसके दुकान पर जाकर बैठ गया। और तभी जैसे ही वह वहां बैठकर आराम करने लगा, ईश्वर को उसने नाम लिया कि हे प्रभु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही उस नास्तिक व्यक्ति ने उस व्यक्ति की आवाज सुन ली, और जैसे उस भक्त की उसने आवाज़ सुनी, वह उसके पास गया और कहता है कि तुम लोग क्या फालतू में अपना समय बर्बाद करते रहते हो, कोई भगवान नहीं होता है, ना तो भगवान होता है, ना तो भगवान कहीं दिखाई देता है, उसके बावजूद भी तुम लोग अपना फालतू में समय व्यर्थ करते हो। और जैसे ही उस दुकानदार यानी नास्तिक व्यक्ति ने उस भक्त से ये बात कही, वैसे ही उस भक्त ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मेरे लिए एक ग्लास दूध लेके आ जाओ। और जैसे ही वह नास्तिक व्यक्ति उसके लिए दूध लेकर आता है, और जो वो भक्त वहाँ पे बैठा होता है प्यासा, वह कहता है कि मैंने सुना है कि इस दूध से ही घी निकलता है, लेकिन मैं ये सब नहीं मानता हूँ। वैसे ही नास्तिक व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, दूध से ही घी निकलता है। तब उस भक्त ने कहा कि अगर दूध से घी निकलता है तो वो घी है कहाँ दूध में, दिखाई तो नहीं दे रहा। तब वो नास्तिक व्यक्ति कहता है कि घी निकालने के लिए हमें इसे विधिवत अच्छे से इसे जमाना पड़ता है, और काफी विधि के बाद इससे घी निकलता है। ठीक वैसे ही तुरंत उस भक्त ने उस नास्तिक व्यक्ति से कहा कि ठीक इसी प्रकार भक्ति से इंसान को भगवान प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार तुम्हारे इस दूध में ही घी छुपा हुआ है, वैसे ही इंसान के अंदर भी भगवान छुपे हुए होते हैं। आप उस दिल से, आप उस मन से ऊपर वाले को याद तो करो, जैसे ही विधिपूर्वक विधि विधान से आप याद करते हो, भगवान आपकी मदद अवश्य करते हैं, आपकी बात जरूर सुनते हैं। यह बात सुनकर नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक हो जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? इसीलिए कहते हैं कि भाव भाव को पहचानिए। इंसान किस भाव से आप तक पहुंच रहा है, इंसान के भाव क्या हैं, क्योंकि भावों में बड़ी शक्ति होती है। इंसान के भाव जो होते हैं, काफ़ी कुछ बयां कर देते हैं। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी भगवान के प्रति। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आप कौन से शहर से हमारे ये वीडियो देख रहे थे। दोस्तों, हम ला रहे हैं कई प्रकार के कंटेंट वीडियो, जो कि भजन भी होंगे, लोकगीत भी होंगे, उन वीडियो को भी आप इस वीडियो की तरह ही प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।